लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2023 का मैच नंबर 63 खेला गया। इस करीबी मुकाबले की बात करें तो लखनऊ की टीम ने आखिरी ओवर में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के साथ अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। मुकाबले की ओर नजर डालें तो लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की, टॉस हारने के बाद टीम को बल्लेबाजी का निमंत्रण मिला। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 177 रन बनाए। टीम के लिए बल्लेबाजी में टीम के कप्तान और साथ ही टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस टोनिस की शानदार पारियां शामिल रही। मार्कस टोनिस ने इस मुकाबले में 89 रन की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान के रिटायर हर्ड होने से पहले कप्तान ने 49 रनों की पारी का योगदान दिया। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजों की बात करें तो जेसन बेरेंड्रॉफ और साथ ही पीयूष चावला के विकेट शामिल है। वहीं अगर बात करें मुंबई इंडियंस की तो टीम के सामने 178 का बड़ा लक्ष्य रहा। टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन और टीम के कप्तान ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ईशान किशन ने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया, लेकिन अगर मुकाबले के आखिरी ओवर की बात करें तो मुकाबले का आखिरी ओवर टीम डेविड और कैमरॉन ग्रीन ने खेला। अगर बात करें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबले की तो आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को 11 रनों की आवश्यकता थी। सामने मोहसिन खान मौजूद थे। मोहसिन खान की बात करें तो वह एक युवा तेज गेंदबाज है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी कर रहे कैमरॉन ग्रीन और टीम डेविड के लिए 11 रन बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नज़र नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद मोहसिन खान का शानदार ओवर रहा और लखनऊ सुपर जायंट्स की झोली में जीत डाल दी। अगर मोहसिन खान के इस ओवर की बात करें तो कैमरॉन ग्रीन ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं बनाया, इसके बाद उन्हें एक सिंगल मिला। टीम डेविड ने तीसरी गेंद खेली जहां पर उन्हें सिंगल मिला। चौथी गेंद पर एक बार फिर से डॉट गेंद रही और कोई रन नहीं बना। कैमरॉन ग्रीन ने पांचवी गेंद खेली जहां उन्होंने एक सिंगल निकाला और आखिरी गेंद पर टीम डेविड ने केवल 2 रन बनाए और ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 रनों से जीत हासिल की। आपको बता दें कि मोहसिन खान इसके बाद हीरो बन गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए होम ग्राउंड पर यह आखिरी मुकाबला रहा जहां टीम ने एक शानदार जीत हासिल कर ली। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई के लिए हार रहा उनके प्लेऑफ की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। मुंबई इंडियंस के नेगेटिव नेट रन रेट के चलते टीम को आखिरी मुकाबला एक बड़े अंतर से जीतना होगा, लेकिन इन सभी के बीच मोहसिन खान ने आईसीयू में भर्ती उनके पिता के साथ मैच में जीत के बाद बातचीत की। मोहसिन खान ने वीडियो कॉल में अपने पिता से बात की और उन्होंने मैच के बाद भी बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती हैं और ये जीत वह उन्हें ही समर्पित करना चाहते हैं। मोहसिन खान का ये आखिरी ओवर बड़ा शानदार रहा, इसके बाद उनके कप्तान और उनके मेंटोर ने उन्हें गले भी लगाया। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।